आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। कोरिया पुलिस द्वारा रविवार को चिरमिरी के डोमन हिल के क्लब में निजात अभियान का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान पिछले एक माह से पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत पिछले दो माह में NDPS अवैध शराब के नशे के व्यापार में शामिल 282 व्यक्ति को गिरफ्तार कर जन जागरूकता के साथ नशे के आदि हो चुके लोगों को नशे से निजात दिलाने का कार्य किया गया। साथ ही पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई। न केवल चिरमिरी में पूरे जिले में हम लोगों ने जब से यह अभियान शुरू किया है लोगों से बहुत ही आशा थी, इतना हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और लोगों को लगा कि पुलिस ये अभियान पुलिस का ये जो अभियान है बहुत सफलता की तरफ जाएगा। निजात कार्यक्रम में आप आए थे, यहाँ पे SP साहब के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था, लोगों को किस प्रकार की इस पर उत्साहित करेंगे और समझाइश देंगे? आज निजात कार्यक्रम के तहत डुमन हिल में निजात कार्यक्रम हुआ और ये कार्यक्रम कोरिया जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसके परिणाम दूरगामी हैं। शुरुआत कहीं से न कहीं से तो करनी था, लेकिन SP साहब के द्वारा इस पहल को किया गया, उसका मैं स्वागत करता हूं। आज जिले में हम लोगों ने जो निजात अभियान चलाया है, सबके सहयोग से लगातार ये एक जन जागरूकता कार्यक्रम हम लोग हर जिले के हिस्से में चला रहे हैं। और दूसरा जो इसमें पहलू है वो पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई है। आप देखें तो पिछले दो माह 282 लोगों से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये सभी लोग जो या तो ड्रग्स, नारकोटिक्स या अवैध कारोबार में लगे हुए, अवैध शराब के कारोबार में लगे हुए, इन पे कार्रवाइयाँ की गई हैं और आने वाले समय में ये कार्रवाइयाँ और भी बढ़ेंगी। तरफ उड़ीसा, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, तीसरी तरफ झारखंड, चौथी तरफ आपका UP साइड वाला। और जिस तरीके से एक तरफ से गांजा, एक तरफ से नारकोटिक्स, एक तरफ से दवाइयाँ आ रही हैं, क्या कहेंगे कि अगर छत्तीसगढ़ सावधान नहीं रहा तो आने वाले टाइम पे छत्तीसगढ़ के लिए नशीला पदार्थ भारी पड़ सकते हैं। देखिए, आज का जो एक आर्गुमेंट था इसी विषय को लेकर था, जो जिले के जो पुलिस कप्तान हैं, जो पुलिस महकमे के जो हमारे साथी हैं, उन्होंने एक जागरूकता के तहत खास करके नारकोटिक्स जो है और जो शराब का व्यसन है, इसे हम कैसे अपने लोगों को निजात दिलाएं, इसके लिए एक निजात कार्यक्रम का शुरुआत 15 अगस्त के दिन में माननीय हमारे स्पीकर साहब विधानसभा अध्यक्ष के मुख्य आतिथ्य में हुआ है और लगातार पूरे जिले में यह कार्यक्रम हो रहा है। दूसरी बात, जहाँ तक कि हमारा जो ये जिला है कोरिया जिला और अभी जो नवीन जिला है MCB मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, इसकी सरहदें जो है कई सारे राज्यों से जुड़ी हुई है और ये हमारे लिए बड़ी चुनौती वाली बात है कि यहाँ से जो तस्कर होते हैं, खास करके जितने भी नारकोटिक्स हैं, गांजा है, भांग है और शराब की जो तस्करी है, वो ज्यादा होने की चांस रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।